नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों लोधा यानी कि आप कह सकते हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स के ऊपर। उसके क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं, नंबर कैसे रहे हैं, यहाँ पे स्लो डाउन के अनुमान है, देखते हैं सही होता है कि नहीं। सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। तो ये करोड़ों में है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस बार 1765.43 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 2675 करोड़ था और एक साल पहले 2123 करोड़। यानी ये तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर तो बड़ी गिरावट है दोस्तों। एक अदर इनकम देखेंगे तो ये तो लॉस है 4.20 करोड़ माइनस में है, जो पिछली बार 0.03 करोड़ था। और जब इन दोनों का मिलाएंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आती है वो है 1761 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 2675 करोड़ थी और एक साल पहले 2137। यानी ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है और ईयर ऑन भी गिरावट है। कल एक बड़ी गिरावट का मुझे लगता है आप इंतजार कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसी चीज़ की खर्चों की, एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1050.48 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1900 करोड़ था और एक साल पहले 1432 करोड़ रुपीज था। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये है और ईयर ऑन ईयर ये बड़ी गिरावट दोस्तों। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में काफी हद तक आप कह सकते हैं एक शानदार गिरावट दर्ज करने देखने को मिली है। बात करें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की तो ये इस बार 110 करोड़ रहा है, जो पिछली बार 96 करोड़ था और उससे एक साल पहले 92। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हुई है। बात करें अदर एक्सपेंसेस की तो ये इस बार घटते हुए 180 करोड़ आए, जो पिछले क्वार्टर में 212 करोड़ थे। और जो खर्चे दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस वो कितने आए हैं, वो हैं 1488 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 2348 करोड़ थे और एक साल पहले 1842 करोड़ थे। यानी जो खर्चे हैं दोस्तों वो कंट्रोल में रहे, लेकिन बिजनेस भी इस बार काफ़ी हद तक कम हुआ है। और इसका सीधा असर कहाँ देखने को मिलेगा, इसका सीधा असर हमें देखने को मिलेगा दोस्तों जो टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड रहती है। आप देखें टोटल कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड लॉस रहेगा, तो 262 करोड़ के प्रॉफिट से सीधा 940 करोड़ का लॉस। जी हाँ दोस्तों, 940 करोड़ का लॉस। और कल तो मतलब भयंकर जोर से गिरावट हो सकती है, और यही कारण है कि जब आप ईपीएस देखेंगे तो 5.62 से घट करके आप देखिए 19.53 नेगेटिव में चला गया है। कल एक बड़ी गिरावट का इंतजार आप कर रहे होंगे। शायद ये कह लीजिए जो मैक्रोटेक डेवलपर की जो रिजल्ट आई है ये काफ़ी हद तक निराशाजनक है। और अगर मैं नीचे जाऊँ और अगर हम देखें कि भाई क्या कंपनी ने, ऊपर चलते हैं, क्या कोई कुछ डिविडेंड दिया है, तो उसके लिए हमें थोड़ा नीचे ऊपर जाना पड़ेगा। मैं इसके लिए ऊपर चलता हूँ। लेकिन देखिए एक बात तो क्लियर है कि ये खराब रिजल्ट है और हमें कल इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।